जी थोड़ा खुशी मना लो, खुशी। अभी तो तुम्हारे उम्मीदवार ही फाइनल नहीं हुए है। खोल के बोलिए ना, सीए होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक मिनट में बताऊंगा ना आपको। इतना पाकिस्तानी हिंदुओं को, शरणार्थियों को। और डॉक्टर अजय आलोक, लेट किशोर तिवारी पहली बार बोल रहे हैं, उनको एक मिनट का मौका दीजिए, मेरा निवेदन है। नहीं नहीं, ये यही तो चीज है। हमारे उद्धव जी ने कहा कि पुतिन बाबा बनने को जा रहे हैं, इसी हिस्से। हाँ, इनके ऐसे ही जो प्रवक्ता आते हैं तो गधा बोलते हैं विपक्ष के नेता को वगैरह, चलता है ये। लेकिन मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर ग्राउंड लेवल पर ये रिपोर्ट है कि बीजेपी चुनाव हार रही है। उसके बावजूद भी आप 41 सीटें बता रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि ओपिनियन पोल और एक एक लाख का सैंपल भी इतना मिसलीड कर जाता है। अभी तो मुझे लग रहा है कि, लेकिन देखिए किशोर जी, लोग झूठ बोलते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूज 18 ने ओपिनियन पोल किया है, इसके अलावा 4 से 5 और ओपिनियन पोल हुए हैं। सारे ओपिनियन पोलों का जो ट्रेंड है वो यही है कि एनडीए को एक बड़ी बढ़त है, और उसमें प्लस माइनस हो सकता है, बीजेपी की एनडीए की 41 ना आए, 35 आ जाए, 36 आ जाए, 34 आ जाए, लेकिन ट्रेंड जो है वो ये बता रहा है। अब रिजल्ट एग्जैक्टली होते हैं, इनको तो कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक ट्रेंड पता लग रहा है किशोर जी, और वो ट्रेंड जो है वो मोदी के पक्ष में दिख रहा है। एक मिनट में एक बात बताऊं तुमको जी, पूरे भारत के अंदर 40 पार्टियों का गठबंधन एनडीए होने को जा रहा है, और मोदी जी अगर आप देखते हैं तो 270 सीट पर बीजेपी सीरियसली कॉन्टेस्ट कर रही है। हाँ, मैं 70 सीरियसली बोलता हूँ, क्योंकि केरला की सीटें मैं उनकी माइनस करता हूँ। अब जो 270 सीटों पे सीरियसली लड़े, तो अजय आलोक 370 के पार तुम कैसे जाओगे? इसलिए मैं बोलता हूँ कि ओपिनियन पोल पे अजय जी सच के बात कर लिया था। आपने अजय जी से पूछा तो अजय जी जान भी लेते हैं। अजय जी, उनका कहना है अगर लड़ी आप सीरियसली, जो आप लड़ रहे हैं वो 270 पे ही लड़ रहे हैं। हाँ, बराबर बोला आपकी। प्रभु को क्या बताऊं मैं, प्रभु को क्या बताऊं प्रभु, 226 सीटों पे हम लगभग 60% मत पाए थे, 45 से 50% सीट हमारे 55 सीटें हैं, तो 226 और 55 जोड़ लीजिए, 280 ऐसी हो गया। कहाँ हैं आप, किसी दुनिया में रह के बात कर रहे हैं? आपने महाराष्ट्र में देखिए, हम आपकी जो MP जीते थे शिवसेना के, वो नरेंद्र मोदी के नाम लेके जीते थे, नहीं तो 5 सीटें नहीं आती आपको। अकेले लड़े थे हमसे हट के, तो 50-52 पे सिमट गए थे ना विधानसभा में, और उसके पहले भी 2014 में भी, लेकिन तभी सबक सिखा नहीं, चीफ मिनिस्टर बनने की धुन चढ़ी हुई थी। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बस मुझे जवाब दे दीजिए किशोर जी, CAA का समर्थन करेंगे उद्धव ठाकरे? पाकिस्तानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह सवाल पूछा है दाएं बाएं अपने एक साक्षात्कार में, उसका जवाब किशोर तिवारी। उद्धव ठाकरे शिवसेना सपोर्ट CAA? नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ, मेरा देश सेकुलर देश है, नागरिकता तो सभी लोगों को देनी चाहिए, और नागरिकता में हिंदुओं पर, भारत ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं का अधिकारों की जतन होना अभी चाहिए। बोलते सेकुलर है, फिर कहते हिंदू राष्ट्र है। अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनो, मैं बता रहा हूँ हिंदू राष्ट्र। अरे भाई, ये हिंदुओं की भूमि है, ये सनातन भूमि है, और मैं एक मेरी बात पूरी, तो CAA लागू होना चाहिए कि नहीं? विवेक, ये हिंदुओं की भूमि है, सनातन भूमि है, मतलब भारत का संविधान खतरे में है, इसलिए हम कांग्रेस के साथ, एक बात समझ लो। और आप सही बोले ना, देखो मुझे लगता है विवेक ये तो आखिरी चुनाव है जी, अगर ऐसे रिजल्ट आ गए तो मेरे बाल दिन। आपने क्या बोला, ये आखिरी चुनाव है, अगर ऐसे रिजल्ट आ गए तो, कैन यू, ऐसे रिजल्ट आ गए तो उनका कनेक्शन चला जाएगा, जैसे कनेक्शन चला जाएगा। विवेक 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 जी, विवेक जी, कनेक्शन चला गया इनका जी जी, विवेक जी जी, नहीं ऐसा है, वो जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई देश के ऊपर बड़ा खतरा है, इसीलिए कांग्रेस के साथ वो है,
लेफ्ट के साथ वो हैं, INDIA में वो हैं। खतरा तो विपक्ष पे दिखाई दे रहा है अभी, और अगर यही ओपिनियन पोल में आता है, क्योंकि आपने बोला था यू, आपने बोला कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस हार ही नहीं सकती, यू सेड इट, आप मैंने बोला था, छत्तीसगढ़ कांग्रेस हार ही नहीं सकती, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस हार गई ये आपने बोला। और सुनील यादव जी, आप पिछली बार कांग्रेस के साथ भी थे, BSP के साथ भी थे, तब भी नहीं हो पाया था, RLD के साथ भी थे, RLD के साथ अलायंस था, अघोषित अलायंस था, MIT और अलग अलग तरह से अलग अलायंस सब कर चुके हैं ये। देखिए 2017 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम कांग्रेस के साथ थे जी जी, और 19 के चुनाव के लोकसभा में हम BSP के साथ थे, BSP था, RLD था। कह रहे हैं जो सपने देश को, हाँ ठीक बात है, तो जो सपने देश के सामने रखे गए थे, देश ने उस पर भरोसा किया, 10 साल भरोसा किया, 10 साल 2 बार भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके उन वादों पर कि महंगाई कम हो जाएगी, रोजगार के इंतजाम हो जाएंगे, सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी, जितने भी वादे, जो भी वादे थे, जिन पर एक पर भी काम नहीं किया। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे काम अगर किसान के लिए किए होते तो किसान की आय दोगुनी हो जाती, बेरोजगार नौजवानों के लिए किए होते तो रोजगार के इंतजाम हो जाते, जिनके लिए किए हैं उनके कई हजार गुना आय बढ़ गई है। अब कहिए तो गिना दें, उसमें आपके मालिक भी होंगे, आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं अब भरोसा कायम नहीं है प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, अब जबकि हर तरह का आंकलन ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री पर अभी भरोसा ना हो। सिर्फ हमारा ओपिनियन पोल नहीं कर रहा, तमाम ओपिनियन पोल भरोसा टूटा है, क्योंकि सुनील जी ये मैंने और किशोर में घर में बैठ के तो ओपिनियन पोल करा नहीं है, हमारा ओपिनियन पोल नहीं कह रहा, यानी न्यूज 18 का ओपिनियन पोल नहीं कह रहा है, अभी तक जितने ओपिनियन पोल आए हैं लीडिंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के या फिर बड़े बड़े एजेंसीज के, उन सब ये वो तमाम ओपिनियन पोल ये कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इंटरनेशनल एजेंसीज की रेटिंग्स, अप्रूवल रेटिंग्स ये लगातार दर्शा रही हैं कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, और आप इसको एग्री करें या डिसएग्री करें, इलेक्शन में एक बीजेपी और विरोधियों का चुनाव होता है और उसमें मोदी फैक्टर अटैच होता है, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। छत्तीसगढ़ के अंदर लोकल लीडरशिप बीजेपी की लगभग फिनिश थी, लेकिन मोदी फैक्टर की वजह से छत्तीसगढ़ में वापसी हुई। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ माहौल था, लेकिन नरेंद्र मोदी के फैक्टर की वजह से वापसी नहीं हुई। 18 साल बाद 150 सीटों वाली वापसी हुई। कौन रिस्क लेगा? गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री से लेके मंत्री संतरी तक बदलती भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन नरेंद्र मोदी को भरोसा था, अमित शाह को भरोसा था उसकी रणनीति पर, तो उन्होंने वापसी करी, 150 सीटों की वापसी करी। हरियाणा में अभी यही रिस्क लिया है बीजेपी ने, कौन लेता है? कांग्रेस के पास एक मौका आया रिस्क लेने का, सचिन पायलट को सीएम बना पाए राजस्थान के अंदर नहीं। तो पॉइंट यही है कि यंग लीडरशिप को आगे आने नहीं देते जी। आपके यहाँ ही आप, मैं देख लूं, पांचवी बारी जया बच्चन को आपने राज्यसभा भेजा, पांचवी बारी। दो पॉइंट बोले, बोलिए आपने, दो पॉइंट रखे, मैं दोनों का जवाब दे रहा हूं। पहला पॉइंट आपने रखा कि सिर्फ न्यूज 18 इंडिया ही नहीं, कई मीडिया हाउसेस का एग्जिट पोल ये बता रहा है कि मोदी जी और बीजेपी आ रही है। यही बात तो मैंने अपनी शुरुआती दौर पर कहा कि 1977 में यही मीडिया बता रहा था कि कांग्रेस आ रही, इंदिरा जी आ रही हैं, कांग्रेस भी हार गई, इंदिरा जी भी हार गई, नहीं वो भी फैक्ट नहीं है, चलिए खैर आप लगभग सारा मीडिया, लगभग सारा मीडिया कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहा था, जैसे 2024 में बीजेपी के पक्ष में बात कर रहा। अकु श्रीवास्तव कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि दूसरा पॉइंट कहा, अकु जी एक सेकंड, अकु श्रीवास्तव मुझे लगता है कि आप अपने तथ्यों को ठीक करें। 1977 का मामला बिल्कुल ठीक नहीं है, आऊंगा मैं आपके पास। 1977 का आंकड़ा बिल्कुल ठीक नहीं है, और उसके बाद अगर जब भी विपक्ष की सरकार आई है, चाहे 89 का मामला हो, बाद में भी रहा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असली चीज होती है राजनीति में जज्बा की और उसको पेश होने की स्थितियां। 77 का चुनाव जब था तो एक बिल्कुल लहर दिखती थी आपको,
कैसे आप कह रहे हैं 77 में तो इंदिरा गांधी का यही कहना था कि मीडिया मेरे को हरवा रहा है। हाँ, लेकिन वो लहर दिखती थी और लहर दिखती थी तो वो लहर अखबारों में नजर, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक पोल होते ही नहीं थे। इंदिरा गांधी का जो बाद में इंटरव्यू आए जब वो हार गई तब उन्होंने कहा कि मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा कि 330 सीटें आ रही हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तो इसलिए कहा क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो मेरे को रिपोर्ट करना थी। वो तो देखिए केजरीवाल कब से जिताते रहते हैं इंटेलिजेंस के हिसाब से खुद को, या पार्टियां अपने सर्वे जब करती हैं तो वो अपने तरीके से बताती हैं। तो ये ठीक है कि यहाँ जो है ये पोलिस्टर कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट पोलिस्टर कर रहे हैं, ये पल्स देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं कि 100% सही होने जा रहा है, ये 5% का तो ये खुद कह के चलते हैं कि साहब 5% ऊपर नीचे हो सकता है। ये भी सच है कि आज का मतदाता इसमें एरर कितना मान के चल रहे हैं आप? वोट शेयर में सेंटेंस में अंतिम कर दो, आज का मतदाता जो है वो क्या बोलता है, क्या समझता है या क्या बताता है, ये एक अंतर जरूर है। नहीं उमेश जी, आप कितना मान के चल रहे हैं इसमें? वोट शेयर में प्लस माइनस 5% से कम रहेगा, कम का है। वोट शेयर में उसके बाद उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, लेकिन अगर वो 5% भी कम हो जाए तब भी कितना बड़ा अंतर हो जाएगा? तभी ऐसा तो नहीं हो, अगर अगर 5% भी कम तो हो जाए, अगर आप बीजेपी की 45% हो जाएंगी, हाँ यही हो सकता है ना मैक्सिमम, और विपक्ष की 5% बढ़ जाएंगी ज्यादा, तो उससे सीटों में बहुत ज्यादा मतलब 411 से जरूर असर पड़ जाएगा, लेकिन सरकार आता है तो लास्ट टाइम 37% था बीजेपी का वोट शेयर, वही है तभी बढ़ा, तो 8% बढ़ रहा है बीजेपी का वोट शेयर। और फिर 45% भी होता है तो अगर कम हम लोअर साइड भी लेके चले तो मतलब अपने आप में ही बहुत है। सुनील यादव कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक भी काफी देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, यू मेक योर पॉइंट, आप अपनी बात को रखिए। नहीं, मुझे कुछ पॉइंट ऐसा नहीं, आपको जी ने बता ही दिया, मैं वही याद दिला रहा था सुनील जी को कि भैया 1977 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था ही नहीं और एग्जिट पोल्स वगैरह होते ही नहीं थे जी जी, और 77 की एक बात थी, जयप्रकाश की हुंकार थी और एक बहुत बड़ा नारा निकला था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर ने खुद ये नारा दिया था, और पूरे देश में जो लहर थी उसमें इंदिरा गांधी को हारना ही था। आपके मुलायम सिंह यादव उस मुहिम में एक लीडर होते थे, आप पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि सब आपको कह रहे थे कि हम लोग आप लोग हार जाएंगे, ये नहीं था। अब मत भूलिए कि कांग्रेस जब भी हारी है, जब जब कांग्रेस हारी है विपक्ष इकट्ठा हुआ है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, कांग्रेस हारी 77 में भ्रष्टाचार और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के कारण, 89 में फोर्स का मुद्दा था, ये 10 साल में आपने हमारे खिलाफ आज तक तो एक आरोप नहीं लगा पाए भ्रष्टाचार का, उल्टा आप लोग के भ्रष्टाचार के कारनामे एक के बाद एक निकल के आ रहे हैं, बेल तक नहीं मिल रहा, आरोप तो लगाए लेकिन चिपके नहीं, बेल तक नहीं मिल रहा, बिल्कुल आरोप लगाए, अभी अभी लेटेस्ट आरोपों में तथ्य होंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खुलासा कल होगा तब फिर आरोप लगाएंगे, ये तो उल्टा उन्हीं पे पड़ गया, राफेल लगाया उन्हीं पे पड़ गया, माफी मांगनी पड़ी, नहीं नहीं कोई नहीं, और अभी भी इनके ये लोग सारे भ्रष्टाचारियों को लेकर के व्हाइट वॉश करते रहिए, हम पॉइंट आउट करते रहेंगे, सबूत इतने अकाटे हैं, बेल नहीं मिल रही आप लोग को, आप लोग सामने आ रहे हैं, हमें परसेप्शन बन रहा है, पॉइंट आउट करेंगे, एक परसेप्शन बन रहा है कि आप किस मेटल के हैं, नहीं परसेप्शन नहीं बन रहा है, सारे चोरों को इकट्ठा कर रहे हो, कहीं नहीं जाने वाले, कह रहे हो ईडी सीबीआई नहीं, तो मोदी जी आएंगे ही रहेंगे, हमारे पास आ जाओ, सब चोरों को इकट्ठा कर रहे हो और कह रहे हो कि ईडीसीबीआई तंग नहीं करेगी, भाजपा ज्वाइन करो, समय विपक्ष हम तो वैसे हारे हुए हैं, हमें किसी तरह से जितवाओ, लंबे समय विपक्ष में रहना है, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तो डटे हुए हैं, हमारी चिंता मत करिए, 40 साल में भाजपा नहीं कहीं जाने वाली है, अब मोदी जी तो 10 साल और रहेंगे, नहीं अब पता नहीं मोदी जी रहेंगे कि अजीत पवार को प्राइम मिनिस्टर बनवा दे, मैं नहीं जानता आगे क्या आप लोगों का ट्रेंड जा रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों को आप जोड़े जा रहे हैं, अजीत पवार प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग को नहीं बुलाएंगे आप, चिंता मत कीजिए, एक एक क्विक कमेंट कि शांतनु जी ये 411 और ये 105 ऐसा क्यों हो रहा है, एक लाइन में अगर कहा जाए तो। देखिए मेरे ख्याल से मोदी का काम है और जिस तरह से उन्होंने बेनिफिशियरी वोटर को कंसोलिडेट करा है और इधर हिंदू वोट को कंसोलिडेट करा है, तो जो जात के नाम का वोट है वो हिंदू वोट पे पड़ रहा है और बेनिफिशियरी वोटर के नाम पे पड़ रहा है, ये केवल प्रो इनकमेंसी हम सुनते नहीं थे 10 साल पहले न्यूज रूम, प्रो इनकमेंसी एक नॉर्म ऑफ द डे है, उसकी वजह से चुनाव आ रहा है, सादा सादी बात। इन्होंने इस पे एक पुस्तक भी लिखी है जो जी बिल्कुल मैंने लिखी है, 101 कारण की गलती से मैंने पढ़ ली और आज ट्विटर पर ट्रेंड करी और कोई ना पढ़े मैं तो कहूंगा जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि आप और किताबें लिखे, लेकिन अखुश श्रीवास्तव कारण क्या है, मतलब ये इस जो किशोर ने बात एक लाइन में क्या है उसका जवाब? कारण उसका यह है कि जो देश की समस्याएं हैं उनको एक हल करने की कोशिश है,
अस्मिता की पहचान है, राष्ट्र का गौरव है और मोदी का नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी की लगातार काम करने की एक जो राजनीति की है 24/7 की वो है। ऐसी कौन राजनीति कर पाता है इसके पहले ये बता दिया जाए। विपक्ष का पतन क्यों हो रहा है? विपक्ष कंसिस्टेंसी नहीं है। आप अगर 24/7 काम नहीं करेंगे और लद्दाख की एक सीट है वहाँ 7 दिन बिताएंगे, चुनाव के समय 5 दिन आप लंदन में रहेंगे, तो कहाँ और कैसे विपक्ष बनेगा ये तो समझा दीजिए मुझे आप। और ये राज्यों का अलग अलग विपक्ष लोकसभा के चुनाव में ये जनता शायद उस देख ही नहीं रही कि चुनौती हो रही है कोई। देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो रहा है, मोदी बनाम और चाहे वो बीजेपी करवाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो हो रहा है बीजेपी और बीजेपी अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेगी। इंदिरा गांधी भी अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती थी, वो भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म और सबको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलने का अधिकार है भाई। नहीं करने वाला अब सबको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलने का अधिकार है। अगर टीम इंडिया की बैटिंग स्ट्रेंथ है तो वो बैटिंग पे ही खेलेगी। ये 77 के अलायंस की बात करते हैं, उससे पहले 71 में अलायंस हुआ, उनका इंदिरा हटाओ तो इंदिरा ने उसको अपनी तरफ मोड़ दिया और कह दिया गरीबी हटाओ और वो चल गया। तो जो इंदिरा गांधी कर रही थी अब यहाँ पे वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रही थी, यहाँ पे बीजेपी अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रही है। और स्ट्रेंथ पे खेलने का मतलब ये है कि न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल कह रहा है कि स्ट्रेंथ पे खेलते हुए ये आंकड़ा उनका 411 पर पहुंच रहा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है 411 पार भारतीय जनता पार्टी हो रही है। लेकिन फिर हम कह रहे हैं ओपिनियन पोल है, लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है मुझे कहने में कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के अंदर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की ओर है। वो 305 होती हैं, 306 होती हैं, 330 होती हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। या 370 होती हैं एग्जैक्टली किशोर, लेकिन समय समय हमारा सर 411 105 ये कह रहा है न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल।